आप बहुत से डांस रियलिटी शो के साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन इस शो में ऐसी क्या अलग क्या होने वाला है जो लोगों को काफी पसंद आया, कुछ क्या अलग? देखिए, डांस शोज तो बहुत आए हैं और मैं ही आधे से ज़्यादा शो में तो मैं ही जज हूँ, और इस शो को मैंने इसलिए किया क्योंकि इसका फॉर्मेट मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहली बात तो ये है कि ये आम जनता के लिए है और आम जनता से जो रॉ डांसर्स आते हैं वो आते हैं शो में, और उनके बाद उनको जो मेंटोर करेंगे, वो मेंटोर्स जो हमारे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग मेंटोर्स हैं, धर्मेश है, शक्ति मोहन है, सुमित है, तो ये आप लोगों ने इनको इतना बढ़ाया है, इतना स्टार बनाया है, तो यही लोग चुनेंगे बाकी दूसरे स्टार्स को, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत सारी ऐसी कंट्रोवर्सीज आती हैं, मतलब जो भी ऑडिशंस के लिए आते हैं, आप जैसे कि रियलिटी शो से जो मतलब फाइनलिस्ट होकर आते हैं, अपना डांस एक एकेडमी खोल लेते हैं, जी वो डांसर्स जो भी रियलिटी शोज वगैरह रहते हैं जी, वही डांसर्स आते हैं, तो क्या कुछ कहेंगे उस पर? मतलब ऐसा बोलते हैं कि पार्शियलिटी भी होती है, मतलब पार्शियलिटी मुझे नहीं पता कितने शोज में होती है, जितने शोज मैंने किए उसमें मुझे नहीं लगता कि होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम इसकी ये भी है क्योंकि हम लोग शो जो बॉम्बे में शो होता है उसी में हम रहते हैं, हमें नहीं पता है कि अंदर जाके कौन ऑडिशन ले रहा है, कौन किसको सेलेक्ट कर रहा है, वहाँ पे हमें कोई आइडिया नहीं होता है कि वहाँ पे क्या होता है। सो अगर वहाँ पे ऐसा कुछ होता भी हुआ होगा तो आई विल मेक श्योर दैट कि ऐसा कभी ना हो। इतने सारे डांस रियलिटी शो है, किस तरह का कंपटीशन सोचते हैं, कौन से शो से आपका शो का कंपटीशन हो सकता है? बहुत सारे डांस शोज हैं, ऐसा कंपटीशन तो नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा कि सारे शोज चलें, और एक्चुअली शोज तो हम बनाते हैं, चलाती जनता है, तो जनता डिसाइड करेगी कौन सा शो अच्छा है। एक्चुअली पूरी टीम आपकी है, अपने धर्मेश है, शक्ति मोहन जी, सब जी, आपसे ही बहुत कुछ जी, तो क्या क्या कुछ उन्हें कुछ सीखने मिलेगा या आप उन्हें कुछ इस तरह से कुछ बता? धर्मेश है, शक्ति है, राघव है, सुमित है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस डांस से जुड़े हुए जो मेरे लाइफ से भी काफ़ी जुड़े हुए हैं, तो मैं भी इनसे सीखता हूँ और इनको सिखाता भी हूँ, और मोस्टली एक्चुअली ज़्यादातर मैं सीखता हूँ इनसे। अच्छा, ABCD2 की बात करें तो जल्दी 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने जी, वाली है, तो कितनी खुशी है आपको इसको लेकर? इस वीक कहते हैं कि इस 100 का आंकड़ा पूरा कर लेगा, और मैं बहुत खुश हूँ, और मैं एक्चुअली जनता को थैंक यू बोलना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने ही प्यार दिया है, एक्चुअली पैसे दिए हैं प्यार के नाम पर, तो बहुत बहुत खुशी होती है, और होप कि मैं ऐसे ही प्यार देते थे और मैं ऐसी फिल्म बनाऊँ।